तो अब हम डिस्कस करते हैं मिडल ईयर। मिडल ईयर प्रेजेंट है एक्सटर्नल ईयर के और इनर ईयर के बीच में, ये पोर्शन मिडल ईयर का है। ठीक है, इसकी शेप अगर आप इधर से देख रहे हैं तो क्यूब शेप है, क्यूब शेप। और लेकिन जो इस एक्सटर्नल ईयर और इनर ईयर के थोड़ी कंप्रेशन की वजह से क्यूब की साइड से थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है और उसकी शेप ये हो जाती है लेटरली और मीडियली। तो और ये कम्युनिकेशन इसके एक इंटीरियर कम्युनिकेशन है, एक पोस्टीरियर कम्युनिकेशन है। इंटीरियर कम्युनिकेशन आपको ये शो हो रही है ऑडिटरी ट्यूब के जरिए, ये यहाँ पे नेसोफेरिंग्स से कम्युनिकेट कर रहा है। पोस्टीरियरली ये शो नहीं हो रही, ये मिस्टॉइड एंट्रम के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, अब हम इसकी बाउंड्रीज पे आते हैं। सबसे पहले रूफ को देखते हैं। रूफ जो है टैगमन टिम्पनाई बना रहा है, टैगमन टिम्पनाई, ठीक है, बोन है, टैगमन टिम्पनाई बोन बना रही है। फ्लोर जो है, फ्लोर एक तो इसे सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे इंटरनल जो ग्लूटेन प्रेजेंट होती है उसे सेपरेट कर रहे हैं मिडल ईयर को। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे ग्लोसोफेरिंजियल की ब्रांच यहाँ से पास करती है इस फ्लोर से, यहाँ से करके यूँ करके तो वो मिडल ईयर में एंटर होती है। ठीक है, टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ठीक है, ये फ्लोर से पास कर रही होती है। ठीक है, अब हम इसकी पोस्टीरियर वॉल पे आते हैं। पोस्टीरियर वॉल जो है यहाँ पे एक तो सबसे ऊपर जो ऑडिटस होता है या ओपनिंग्स ही होती है यहाँ पे पोस्टीरियरली, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे बोन्स पड़ी होती हैं, यहाँ पे मेलियस इनकस टेपिस, यहाँ पे जो है ना इन फोसा इंक्यूडस बन रहा होता है जिसमें शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस यहाँ पे करके शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस जो है उसको लॉन्च कर रहा होता है। ठीक है, और पोस्टीरियर और मीडियल वॉल के बिल्कुल जंक्शन पे यहाँ पर पायरामिड सा बनता है, पायरामिड सा थोड़ी सी उभार सा बनता है। ठीक है, ये जो है उसके बाद थोड़ा सा लिटरली जाना है हमने पायरामिड के, और यहाँ से कोडे टेम्पनी नर्व के लिए पोस्टीरियर कैनालिकुलस होता है। सो चार चीज़ें आ गई पोस्टीरियर वॉल में। अब हम बात करते हैं लेटरल वॉल की। लेटरल वॉल जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सटर्नल ईयर के साथ कम्युनिकेट, और लेटरल वॉल में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सो ये थोड़ा सा अगर हमने एक्सटर्नल ईयर जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि थोड़ी सी कन्वेक्स शेप में होती है। ठीक है, सो पोस्टीरियर वॉल में क्या है, एक तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे थोड़ा सा टायरोटिम्पैनिक फिशर प्रेजेंट होता है, जहाँ से हमने पढ़ी थी जब एक्सटर्नल ईयर पढ़ा था, तो यहाँ से फेशियल नर्व गुजरी थी, फेशियल कोटा टेम्पनी, तो इधर से वो एग्जिट करती है। ठीक है, लेटरल वॉल में। अब मिडिल वॉल आ जाती है जो कि इनर ईयर के साथ है। मिडिल वॉल में एक राउंड सी बल्जिंग है जिसको हम प्रोमोंट्री बोलते हैं। ठीक है, उसके थोड़ा सा पोस्टीरियर सुपीरियर थोड़ा सा यहाँ पे करके एक जो है ओवल विंडो है, और थोड़ा सा उसके नीचे जो है राउंड विंडो है। इसको कहते हैं फेनिस्ट्रा वेस्टिबुलर, और इसको कहते हैं फेनिस्ट्रा कोक्लिया। प्रोमोंट्री के पोस्टीरियर सुपीरियर, ये पोस्टीरियर इन्फीरियर, ये ओवल विंडो है, ये राउंड विंडो है। ठीक है, अगर आपको इनर ईयर जो है उसमें याद हो तो यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स बन रही थी, उसके बाद में जो फिर वेस्टिब्यूल आ रहा था और फिर कोक्लिया के स्टार्ट हो रही थी, तो ये इनकी ही बल्जिंग्स वगैरह हैं जो कि हमें इस फॉर्म में यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, इसके अलावा जो है छोटी सी फेशियल किनाल की भी प्रोमिनेंस है, और लेटरल सेमी सर्कुलर किनाल्स की भी यहाँ पे प्रोमिनेंस बनी होती है। सो ये चार पांच चीज़ें आगे मीडियल फॉर्म में।